आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में BC सखी योजना के बारे में कुछ जानकारियां देने वाले हैं। तो हम आपको बताने वाले हैं कि शायद कोई नोटिफिकेशन आया है, कोई अधिसूचना जारी की गई है BC सखी के बारे में, क्या है सब कुछ आपको वीडियो में डिटेल बताएंगे, सही और गलत का सब कुछ विशेष जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलने वाली। तो वीडियो पर थोड़ा सा लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर भी ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको आगे की अपडेट भी लेनी है, ठीक है। और जो मैंने आपको लोगों को बोला हुआ था कि मैंने जानकारियाँ ली हुई हैं आपके ज्वाइनिंग वगैरह के लिए, और तो उसके बारे में वीडियो नहीं आ पाई है, उसके बारे में वीडियो आपको कल मिल जाएगी चैनल पर, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी, जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं आ पाई है, ठीक है। तो ये वीडियो आप देखिए और कल वीडियो आपको मिल जाएगी। आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करिए रहिएगा। और चलिए हम यहाँ पर पहले आपको दिखा देते हैं क्या अधिसूचना है, क्या सरकार द्वारा जारी की गई है, कि किसके द्वारा जारी की गई है। या तो सरकार के द्वारा जारी की गई होगी या तो कुछ यूट्यूबर हैं उनके द्वारा जारी की गई होगी। चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि BC सखी परियोजना हेतु दिशा निर्देश, प्रथम चरण में IIBF ट्रेनिंग के उपरांत सफल BC सखी का बैंकिंग प्रशिक्षण होगा। और उसके बाद यहाँ पर जैसे कि दिया गया, इस संबंध के सभी चयनित BC सखी नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से दस्तावेज यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं। BC सखी ग्राम पंचायत, BC सखी जानकारी, फोटो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ID, डॉक्यूमेंट, एजुकेशन, IIBF सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, नज़दीकी बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा की जानकारी, समूह तथा प्राप्त राशि 75,000 की जानकारी। तो इसके बाद हम आपको ये बता देते हैं ये है क्या, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों ने कुछ जगहों पर ये सुना होगा, देखा भी होगा, तो देखिए फिलहाल के लिए आपके WhatsApp पे सरकार तो आपके लिए अधिसूचना जारी नहीं करेगी। क्यों करेगी, क्या जारी बताइएगा। जो सरकार की अधिसूचना है, जो भी सरकार को बताना रहेगा और एग्ज़ाम के बारे में हो, चाहे आपकी ट्रेनिंग के बारे में हो, चाहे आपकी जो BC सखी की ज्वाइनिंग है उसके बारे में हो, चाहे वेरिफिकेशन बारे में हो, या तो वह न्यूज़पेपर में आएगा, ठीक है, और या तो आपके ब्लॉग के माध्यम से जानकारी मिलेगी, या तो आपके BC सखी के ऐप के माध्यम से जानकारी मिलेगी। कोई और आपको कुछ भी बता रहा है, विश्वास मत करिए, इतना भी ज़्यादा विश्वास मत करिए, ठीक है। विश्वास उतना ही करिए जितना कि चल जाए, ओके। चाहे जो हो, चाहे जहाँ से आपने सुना है, चाहे जहाँ से भी देखा है, आपको बार बार एक चीज़ बताया हुआ है कि अगर आपके 20 सेकंड के ऐप में कोई सूचना आती है तो ही विश्वास करें। हम लोग आपको वही बताते हैं, मेरे चैनल पर आपको वही बताया जाएगा जो आपके 20 सेकंड के ऐप में जानकारियां आती हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन करते हो उसके बारे में, वो जानकारियां हम बताते हैं, ना कि आपके WhatsApp पे जो जानकारी आई है और दूसरे के WhatsApp पे आई है, कहाँ किस ग्रुप में आई है, क्या आई है, तो ये सब फर्जी है। इन सब पे आप बिल्कुल भी टोटली विश्वास मत करो, ठीक है। केवल और केवल सरकार के ऊपर विश्वास करना है, आपके मोबाइल ऐप के ऊपर विश्वास करना है और अपने ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। वहाँ से आपको गलत जानकारियाँ नहीं दी जाएंगी, सरकारी वो रहेगा, और ये सब फर्जीवाड़ा के चक्कर में ना रहें, ठीक है। और सही जानकारियाँ लें और सही समय पर लें, और ये नहीं है कि आपको किसी ने बता दिया, हाँ भाई उसने मतलब उसके WhatsApp पे आया था तो आप भी कर लो, हाँ उसके WhatsApp पे आया था तो आप भी कर लो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। देखा गलती ना कर दे जिसकी सजा आपको हमेशा भुगतनी पड़े, ठीक है। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि हाँ मैंने बैंक डिटेल दे दी। अब इसमें क्या दिया गया, आप खुद ही देख लो, ये सरकार आपसे मांगेगी डिटेल इस तरह की, समूह तथा प्राप्त राशि 75,000 की जानकारी, उनको 75,000 की जानकारी चाहिए जो आपके पैसे आए हैं। तो ये सब मतलब बिल्कुल भी विश्वास ना करें, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे फर्जी काम करते हैं, आप लोग फर्जी वालों के चक्कर में ना पड़ें। केवल केवल अपने एम पर ध्यान दें, अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जो आपका लक्ष्य है वो है BC सखी का ऐप है और BC सखी बनना है, उसके अलावा कुछ नहीं। बस हम इतना ही आपसे कहना चाहेंगे, बाकी इससे ज़्यादा आप खुद ही समझदार हो कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर आपके कुछ कमेंट देख लेते हैं, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्होंने पूछा है SSG नहीं बन पाया है तो क्या रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है रिजेक्ट हो जाएगा, देखिए SSG बनाना ज़रूरी है ना, आप लोग समझते क्यों नहीं है। कुछ लोग हैं बिल्कुल समझते ही नहीं है कि बस कैसे भी उनका काम हो जाए। समूह बनाना ज़रूरी है, समूह से चाहे जुड़िए और चाहे बनाइए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिद्धार्थ नगर में 2nd बैच की ट्रेनिंग कब होगी। इसी महीने में सभी की ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, आप थोड़ा सा वेट तो करिए कम से कम। मैंने आपको बोला था अभी मतलब कि आज हो गए होंगे 19 तारीख हो गई होगी, तो इसी मंथ वेट कर लीजिए, ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, कोई ना कोई जानकारी आपको मिलेंगी ही। इन्होंने बोला हुआ है कि मैडम आपका बहुत ही धन्यवाद करना है, थैंक यू। और
इन्होंने पूछा है बिहार सरकार ने आदेश जारी किया है, ये भर्तियां सरकार ने की, बीके का बताएं। अच्छा वेतन, अच्छा 9,500 मिलेगा, तो हाँ 9,500 है तो फिलहाल ठीक है। बीस की रोजगार सेवक बन सकती हैं क्या, बीसी सखी रोजगार सेवक बन सकती हैं क्या? देखिए सभी नौकरियां बीसी सखी को ही क्यों दी जाएंगी, और भी लोग हैं ठीक है समूह में। और इन्होंने बोला है दो काम एक साथ कर सकते हैं क्या, नहीं। और ज़्यादा जानकारी के लिए अपने ब्लॉक से पूछ सकती हैं ठीक है। थोड़ी बहुत यहाँ पर हम जानकारी आपको दे दे रहे हैं। सोनभद्र में ट्रेनिंग कब शुरू होगी बीसी सखी की, तो मेरे में नहीं आया है। नाइस मैम। और मेट के लिए बीसी सखी भी हो सकती हैं क्या? और देखिए इसके लिए हम बताएं आपको सब, मतलब कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है ठीक है। मैं काम कर सकते हैं, मेन काम कर सकते हैं क्या इसमें? अच्छा नहीं, समूह में समूह केवल महिलाओं के लिए है ठीक है। मैम इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए ये केवल महिलाओं के लिए है स्वयं सहायता समूह। अब योग्यता की बात करें तो मतलब कि होनी चाहिए लगभग 5वीं 8वीं 10वीं जो भी हो ठीक है चल जाएगा। बस्ती जिले में क्या होगा, बस्ती जिले में कब होगा? अच्छा जी देखिए वेट करिए, शुरू हो जाएगा बहुत जल्द। फॉर्म मेड और भरे, मैम बताइए, बताएं प्लीज़। ओके नहीं हट रहा है मैम, और एसएचजी की फ़ोटो भी नहीं अपलोड हो रही है, तो देखिए अपलोड हो जाएगी। और नेटवर्क इशू होगा इसकी वजह से भी हो सकता है। ओके और सीतापुर में ट्रेनिंग कब होगी? बहुत जल्द मैडम, ऑप्शन बार बार आ रहा है, क्या करें? उसको रहने दीजिए, आप कुछ मत करिए ठीक है, अपने आप वो चला जाएगा। आप केवल अपना जो भी फिल करना हो फिल कर दीजिए, वो अपने आप चला जाएगा, परेशान ना हो बिल्कुल भी ठीक है। अलीगढ़ में कब होगी ट्रेनिंग प्लीज़ बताओ। तो अलीगढ़ के बारे में शायद मैंने बताया हुआ था वीडियो में, आज वीडियो आई है उसमें देख लीजिए आप लोग ठीक है। और मैम बोला, इन्होंने बोला है कि मैम समूह से जुड़ी महिला को नहीं देते हैं वरीयता, अपने समुदाय के लोगों को दे देते हैं, और ताकि उनके कहने पर चलें और गलत हाजिरी लगा के पैसे आपस में बांट सकें। ब्लॉक मसौदा जिला अध्यक्ष ग्राम सभा भदरसा बाहर। तो देखिए आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, इसकी शिकायत आप खुद करिए अपने यहाँ पे ठीक है, क्योंकि मेरे कहने से नहीं होगा। मुझे भी ज्वाइन होना है मैम, कैसे हूँ किसमें? समूह में, समूह में ज्वाइन होने के लिए आप अपने अपने ब्लॉक मैनेजर से मिलिए, ब्लॉक मिशन मैनेजर ठीक है, जिसको बीएमएम भी। यहाँ पर मैंने आपके कुछ कमेंट भी देख लिए हैं, आपको ये जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल बनाए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।